हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो एमसीडी पीआरटी स्पेशल और इसके बाद जो टीजीटी वाला स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था उस पर जो केस है उसकी क्या अपडेट है। तो काफ़ी साथियों के मैसेजेस आए थे कि उसके बारे में कुछ बताया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर कोई भी चीज़ जेन्युइन होती है या उसकी पूरी सच्चाई मिलती है तभी हम डालते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। तो साथियों, अपडेट मैं आपको बता देता हूँ स्पेशल वाला जो केस है उस पर क्या अपडेट है। इसके रिगार्डिंग मेरी सुधांशु जी से बात हुई। सुधांशु और अन्य साथी जिन्होंने एमसीडी पीआरटी स्पेशल 15/17 इस पर केस कर रखा है, तो साथियों जो अपडेट वहां से मिली है मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो सुधांशु जी से जो मेरी बात हुई है, मैंने उनसे सारी बातें पूछी तो उन्होंने मुझे क्लियर बताया। सबसे पहले तो 7 जनवरी 2019 को कोर्ट में तारीख थी। कोर्ट में क्या हुआ, डीएसएसबी को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का टाइम दिया गया, मतलब 3 वीक्स का टाइम दिया गया जिसके अंदर डीएसएसबी को अपना पक्ष रखना है, डीएसएसबी को जवाब देना है। इसके बाद जो अगली तारीख है वो अप्रैल में है और इसके रिगार्डिंग भी आपको अपडेट दे दी जाएगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद मैंने सुधांशु जी से 87/17 के बारे में भी पूछा, तो सुधांशु जी ने बताया जो 87/17 है स्पेशल एजुकेटर्स, इसमें भी डीएसएसबी को टाइम दिया था, कोर्ट ने टाइम दिया था कि अपना जवाब रखें, अपना पक्ष दें, लेकिन डीएसएसबी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने डीएसएसबी पर ₹7500 का जुर्माना कर दिया, ₹7500 का जुर्माना कर दिया। इसके बाद मैंने उन साथियों से और बात करी तो मैंने ये पूछा कि आप लोगों ने केस क्यों किया है, क्योंकि ये सभी के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि इन्होंने केस क्यों किया है। तो जो सुधांशु जी हैं इनका जो केस है, जो मैंने पूछा इनसे, उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो नोटिस आया था तो उस टाइम था कि जो स्पेशल वाले हैं इनके लिए भी कंडीशन है 40-40, 35-35 और 30-30 वाली कंडीशन इन लोगों के लिए भी है। इसके बाद इन्होंने जो एग्जाम दिया इसी तरह दिया, क्योंकि आपको पता है अगर आपके सामने ये कंडीशन हो कि आपको ये भी पास करना है ये भी पास करना है, तो आपको अगर एक पार्ट में कोई चीजें ज्यादा आती है तो आप उसको भी छोड़ देंगे क्योंकि आपको दूसरा भी क्वालिफाई करना है। अगर आपने एक क्वालिफाई नहीं किया, चाहे दूसरे में कितने भी नंबर ले लिए, तो वो उसका कोई यूज नहीं होगा। तो इन साथियों ने बताया कि हमने एग्जाम उसी तरह दिया है, लेकिन डीएसएसबी ने बाद में एक नोटिस निकाला कि जो स्पेशल वाले थे इनके लिए कंडीशन थी नहीं, ये मिसलिनियस पोस्ट है। हालांकि ये चीजें डीएसएसबी की बहुत गलत है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये चीजें जो हुई हैं ये बहुत गलत है। इससे जो ये साथी हैं इनका नुकसान हुआ है, आप भी समझ रहे होंगे। और साथियों आप मान लें बिल्कुल, जो भी चीजें डीएसएसबी ने की है अब की बार, चाहे वो नॉर्मल पीआरटी है, स्पेशल पीआरटी है और भी काफी पोस्ट है, तो बहुत गलत किया है। एनआईयूएस से इन्होंने एग्जाम दे दिया, इनको कहीं क्वेश्चन नहीं मिले, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो सुधांशु जी ने जो बताया, सुधांशु जी ने कहा कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है, हमें यह नहीं कि एग्जाम कैंसिल करें, नहीं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है, जो पहले कंडीशन इन्होंने रखी थी कि 35-35, 40-40, 30-30 जो कंडीशन है उस पे अगर कोई क्वालिफाई हो रहा है तो उन्हें सिलेक्ट कर लो, हमें कोई एतराज नहीं है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी उन साथियों की, उन्होंने कहा कि 40-40, 35-35 या 30-30, मतलब दोनों पार्ट अगर कोई क्वालिफाई कर रहा है तो उसे आप ले लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो बची हुई सीट है उन पे जल्दी से री एडवर्टाइजमेंट करके जो ये साथी है इनको मौका दें और गलती ना करें, जो भी कंडीशन है हमें क्लियर बता दें
बाद में ऐसा कुछ ना हो कि पहले था या नहीं था, हम एक फेयर कंपटीशन में रहना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी डिमांड भी रखी कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भर्ती को पूरा करें, जितने तक कट ऑफ जाती है दोनों को मिला के, मतलब दोनों पार्ट्स को मिला के जितने पे कट ऑफ जाती है कट ऑफ नीचे ले जाएं। क्योंकि उन्होंने मुझे एक बात और बताई कि जो डीएसएस भी है, इनके जो फॉर्म होते हैं या इनमें एक प्रावधान होता है कि अगर कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो कट ऑफ नीचे जा सकती है। ये उन्होंने मुझे एक बात बताई कि कट ऑफ नीचे जा सकती है, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। तो इसका साफ मतलब है कि डीएसएस भी भर्ती पूरा नहीं करना चाहता जल्दी से। तो इन साथियों की अगर आप देखें ध्यान से मांग, तो कोई गलत मांग नहीं है, इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल सही है। और ये भी नहीं चाहते कि उन साथियों का नुकसान हो जो पास हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन साथियों से बात करके। अगर आपको लगता है कि इन साथियों की मांगे बिल्कुल जायज हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो साथियों ये थी अपडेट स्पेशल वालों की। तो मैं हूं हरबीर सिंह और आप देख रहे थे आपका अपना प्यारा चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।